सॉल्यूशन देखिए प्लीज इसका आ गया था सॉल्यूशन आपका ट्वेंटी एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा वन मतलब वेरिएंस वन है कंसिडर नॉट या तो म्यू फाइव पॉइंट टू है या बड़ा है मतलब राइट टेल टेस्ट है मतलब टू टेल नहीं है कहने का मतलब ठीक है इफ एंड ऑनली क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है बेटा आपने को एक्स पार इज ग्रेटर देन के ये क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है साइज ऑफ द टेस्ट अल्फा अल्फा पॉइंट जीरो फाइव है बेटा देन द प्रोडक्ट टाइप तो अच्छा पहले प्रोडक्ट रिजल्ट टच नॉट होता ना बेटा तो एक्स पार इज ग्रेटर देन के गिवन एच नॉट इज ट्रू ना तो वी नीड टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स पार आल्सो राइट फॉर नाउ न्यू कॉमा वन रूट एन वन बाय एन बाइ एन हाँ तो कर देते हैं प्रोबेबिलिटी है फाइव पॉइंट अपॉन वन बाय एन कितना है तो के माइनस फाइव पॉइंट टू इन टू इज पॉइंट जीरो फाइव तो लेस देन करूं तो बेटा इसको लेस इक्वल तो, के 5 इंटू 5, तो .95 होता ना और .995 पे आएगा कि नहीं आएगा अरे पूछ रहा हूं भाई पॉइंट जीरो उधर ले गया तो पॉइंट नाइन फाइव हो गया नाइनटी फाइव परसेंट आ गया तो इक्वेट कर दो के माइनस फाइव पॉइंट टू 5, फिर प्लस कर दो क्या आंसर आ रहा बताना कोई बच्चा प्लस फाइव पॉइंट इज द आंसर है ना हाँ ठीक है ठीक है तो ये फाइव पॉइंट फाइव टू एट आया हो मेरा तो फाइव पॉइंट अच्छा मैंने भी बुरा लिया होगा ना फाइव पॉइंट फाइव टू एट आ रहा है आंसर वैसे फाइव पॉइंट फाइव टू एट अब क्या मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर मांगा ना बेटा तो टाइप टू एरर बीटा डू नॉट जेट टच नॉट है ना बेटा एक्स बार इज लेस देन के वेन एच वन इज ट्रू थीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू सॉरी फाइव पॉइंट सिक्स कर लोगे कि नहीं है तो yes, sir. तो K माइनस फाइव पॉइंट सिक्स इंटू फाइव कर दूंगा ना बेटा फिर से इसको कर लो अपने आप K की वैल्यू तो पता चल गई ना फाइव पॉइंट फाइव थ्री है अब तो आ जाएगा आपका बेटा आपका आंसर आना चाहिए पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट मैंने तो निकाला था पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट थ्री फाइव नाइन फोर निकाला है मैंने आंसर तो उसको पॉइंट थ्री सिक्स लिखा हुआ पीछे ये तो इजी ये तो क्वेश्चन आएगा हर बार आ रहा है तो इजी क्वेश्चन आ रहा पॉइंट थ्री सिक्स आ रहा है uh, .36 आ रहा ना पॉइंट थ्री फाइव नाइन फोर टाइप टू आ बेटा है जेड लेस देन माइनस ए सेम है ना ये वन मैनेजेड लेस देन नहीं कर ले